आज हम बात करेंगे फेयरसाइड कंपनी की पॉलिसी के बारे में। पहले बात करते हैं सेलरेट के लिए, और ये जो कंपनी है सेलरेट और बिजनेस दोनों को फंडिंग करती है। अभी सेलरेट के लिए बात करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स है अगर अप्रूव आता है तो आपका ऐसी जो मेल आईडी दिया हुआ है वहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेंड करना है और हम प्रोसेस करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेलरेट लोगों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो बताता हूँ। पहला है एज, आपकी एज 23 साल से 57 साल होना चाहिए। लोकेशन की बात करें तो पूरे पैन इंडिया में प्रोसेस है। इनकम की बात करें तो 25,000 से ज़्यादा सैलरी आनी चाहिए। अभी 23,000 से ज़्यादा होगा तो भी चलता है, लेकिन 23,000 से ज़्यादा आनी चाहिए। सैलरी है वो कैश में या यूपीआई में आती है तो नहीं अलाउड है। स्टेबिलिटी की बात करें तो उसी कंपनी में आप 3 महीने से ज़्यादा काम करता होना चाहिए। फॉयर रेशियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीचर्स यही है कि आपको 80% फॉयर रेशियो देता है। क्रिप स्कोर की बात करें तो 500 प्लस क्रिप स्कोर होना चाहिए। चेक बाउंस की बात करें तो 3 चेक से ज़्यादा रिटर्न नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका पैन कार्ड, एड्रेस, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप और 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, वो जो ऑनलाइन डाउनलोड करके आ रहा है वो देना है। उसमें ना कोई ओनरशिप की रिक्वायरमेंट है ना कोई इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट है। आज भी बात करते हैं बिजनेस लोन के बारे में। बिजनेस लोन में AQB जो है वो आपको अच्छा होना चाहिए। जो मिनिमम AQB की बात करें तो एवरेज क्वार्टर बैलेंस वो आपको 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। उसमें भी फॉयर रेशियो की बात करें तो 100% फॉयर रेशियो काउंट करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न का 1.5 मल्टीप्लाई लोन दे सकते हैं। मतलब आपका इनकम के हिसाब से नहीं बीत रहा है तो IT रिटर्न से भी लोन हो सकता है। क्रिप स्कोर की बात करें तो 5,000 है, ओवरड्यू नहीं होना चाहिए। चेक बाउंस की बात करें तो 1 महीने के अंदर 3 से ज़्यादा चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। पार्टी का चेक की बात करें, विंटेज प्रूफ जो है 2 साल पुराना होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो ऑनलाइन डाउनलोड करके आ रहा है वही देना है, ना कोई एडिटिंग ना कोई फर्जी डॉक्यूमेंट देना है। एज की बात करें तो 23 से 57 साल होनी चाहिए। न्यू टू कैश मतलब न्यू, अगर आपका सिबिल स्कोर 0 या माइनस में है तो अप्लाई नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, करंट एड्रेस प्रूफ, अब 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, इतना डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं हुआ है, पहला पेज जो आता है वो इन वेरीफाई है, तो आपको चलान की कॉपी देना पड़ेगा। तो ये था बेसिक क्राइटेरिया। मेन चीज़ की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट से नहीं बीत रहा है तो इनकम टैक्स में भी दे सकते हो। बहुत रेंटेड कैश एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि आपका खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो भी दे सकता है। तो ये अच्छी कंपनी है। मोटा मोटा बात करें तो सैलरेड लोगों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप और कैंसिल चेक। और बिजनेस वाला है तो 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, कैंसिल चेक, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और बिजनेस प्रूफ। बस इतना सा डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करना है। लिंक जो है एप्लीकेशन की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी कैसे अप्लाई करना है वो भी बताता हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करना है फेयरसाइड। जैसे ही फेयरसाइड सर्च करेंगे तो आपको लिंक पेज आ जाएगा, यहाँ से आपको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पे भी पूरा क्राइटेरिया लिखा है, यहाँ पे अप्लाई करना है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो पेज ओपन होगा। और दूसरी चीज़, अगर कस्टमर डायरेक्ट अप्लाई करने जाएगा तो आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा। अगर इस लिंक से जाएंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा रुपीज़ पे नहीं करना होगा। यहाँ पे अपना पूरा डिटेल जो है फिलअप करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी जो है वो सही डाले, यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो आप ट्रैक करने के टाइम मदद करेगा, मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद OTP एंटर करना है, मेल फीमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका स्टेट कौन सा है वो सिलेक्ट, सिटी और पिन कोड, लोन अमाउंट कितने की रिक्वायरमेंट है वो, ये मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ है। उसके बाद पर्पज़ क्या है, आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मंथली इनकम कितनी वो डालना है, यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। उसके बाद फाइनल आएगा, उसके बाद भी आपको अप्लाई नाउ सबमिट करना है
उसके बाद आपको दिखेगा कि लोन अप्रूव है या